ये देखो स्कूटी बिल्कुल डूब ही गया था। सीरियसली यार, और बारिश। गाइस, तुम सबको स्वागत करता हूँ मेरे न्यू ब्लॉग में। वैसे टाइटल थंबनेल देख के तो पता लग गया होगा कि पानी पानी हो गया, सारा कोलकाता ही डूब गया। दो तीन दिन से इतना मतलब बारिश हो रहा है, क्या बताऊँ। कहीं बाहर निकल ही नहीं पा रहा हूँ, कहीं घूमने भी नहीं जा पा रहा हूँ, और कुछ न्यू एक्साइटेड ब्लॉग भी नहीं दे पा। घर में बैठ के मतलब पूरा पानी पानी हो गया। सो ब्लॉग में बने रहना और ब्लॉग एंड तक देखना, और देखो यार पानी में कितना मेहनत करके इधर उधर जाना पड़ता है। और मतलब हाल हो रहा है बहुत बेहाल। तब से वो गाना है ना बादशाह का, पानी पानी वाला और आस्था गिल का, तब से सीरियसली पानी पानी ही हो रहा है हर जगह। और यहाँ तो कोलकाता में तो दो दिन मतलब इतनी तेज़ बारिश हुई, मतलब पूरा पानी पानी हो गया। और वेदर देखो और ये पानी पानी देखो यार। सो ब्लॉग एंड तक देखना, और जो चैनल पर नए होंगे चैनल सब्सक्राइब कर देना। गाइस ये देखो घर के सामने का क्या सीन है, मतलब पूरा पानी पानी हो गया। कल तो पानी यहाँ तक आ गया था, पूरा यहाँ तक भर गया था रात को, लेकिन सुबह उठते ही हाल बहुत बेहाल है। और अभी लग रहा है दिन भर और ज़्यादा बारिश होने वाली है। सो बहुत मज़े आने वाले और आप सब पानी पानी होने वाले हो। और ये तालाब एक यार, यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ हैं, सही है। सो गाइस अभी ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेड लेने जा रहा हूँ, लेकिन अभी युद्ध होने वाला है। घर के सामने निकलते ही पानी पानी हो गया यार, पूरा पानी पानी भर गया ये रास्ता में, और ये भी हो भाई साहब। डियर गवर्नमेंट खुलवा दो पानी यार, सुबह समर पानी देखा नहीं जा रहा, मुझे तो जुकाम भी लग गया यार गाइस, सीरियसली। सो ऑलराइट गाइस, मैं अभी ब्रेड ऑमलेट बनाने वाला हूँ, और मैं बनाता हूँ यार ब्रेड ऑमलेट, अच्छे बनाता हूँ। सो एक बार ये बना लूँ फिर मैं ब्रेकफास्ट में मिलता हूँ आपको। ऑलराइट गाइस, मेरा ब्रेकफास्ट हो गया रेडी, और ये मायोनीस, केचप और ये ब्रेड ऑमलेट है मैंने बनाया है। और ऑमलेट ये थोड़ा अंडा ज़्यादा हो गया था तो ऑमलेट बना लिया। सो फटाफट इसको खाते यार, भूख लग रही है बहुत तेज की, सीरियसली। सो ऑलराइट गाइस, मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करके ये हार्ड डिस्क लेके जा रहा हूँ थोड़ा कैफ़े, क्योंकि ड्राइव में कुछ फाइल अपलोड करने हैं, क्लाइंट्स को देना है, और बारिश कभी भी आ सकती है। सो अभी थोड़ा सा धूप निकला हुआ है हल्का फुल्का, इसलिए सोचा कि अभी जाके कर लूँ ये काम, क्योंकि बारिश वगैरह आ जाए फिर यार आज मन नहीं करता। लेकिन यार पानी के मतलब पानी इतना जम गया, ये देखो पैंट ऊपर करके जाने पड़ रहे हैं उधर घर के सामने जो पानी जमा हुआ है। ओह माय गॉड, इतना बारिश दो दिन से, मतलब जस्ट खत्म, टाटा। ऑलराइट गाइस, काम हो गया, बस गूगल ड्राइव में फाइल अपलोड करना था कुछ। एक्चुअली वाईफाई वगैरह है नहीं मेरे पास, सो अपने यूट्यूब के वीडियो भी यार मैं मतलब अपने फ़ोन के नेट से ही डालता हूँ, नेट से ही अपलोड करता हूँ। तो थोड़ा सपोर्ट करो यार, इतना मेहनत करके ही करना पड़ता है सब कुछ, थोड़ा प्यार बरसो अपने। और पीछे देखो यार, मतलब बारिश फिर शायद आ जाए, शायद नहीं शायद ही आ जाए। और अभी मैं लिटिल गोवा दिखाता हूँ, और ये देखो लिटिल गोवा। सो गाइस, फाइनली मैं गोवा पहुँच गया, कोलकाता का गोवा है ये। और ये देखो यार, बारिश की वजह से पूरा डूबा हुआ है पूरा। और यहाँ के हमारे मंत्री है कांचन दा, जो एक्टर भी है, तो ये थोड़ा कुछ करो फटाफट, और ये पानी हटा दो। ये देखो यार, ये भी देख रही है कि क्या हो गया, पानी वानी हो गया पूरा, सीरियसली यार बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे तो यहाँ पे। और हम लोग बचपन में ऐसे ही पानी देख के और कीचड़ कीचड़ हो जाते थे, कपड़े वगैरह भिगो देते थे,
वैसे बचपन में किस किस ने डांट खाई अपनी मम्मी से कपड़े वगैरह गंदे करने के लिए, तो कमेंट में ज़रूर बताना। और मैं अभी गोवा के वादियों में एंजॉय कर रहा हूँ, तो गाइस कम एंड कम जॉइन एंड एंजॉय। इसमें ये तालाब है, आ गया तालाब तो पूरा ही भर गया। लोगों को बड़ा ही दिक्कत हो रहा है बड़ा। और यहाँ पे ये देखो स्कूटी बिल्कुल डूब ही गया था, सीरियसली यार। और बारिश नहीं चाहिए। सो यार हैट्स ऑफ टू जोमेटो वाला भैया, साइकिल में वो भी इतने पानी में ऑर्डर लेके जा रहे हैं और एड्रेस मुझसे ही पूछा, तो थैंक यू जोमेटो यार, आप लोग बहुत अच्छे काम करते हो, बहुत ज़्यादा सीरियसली। और ये देखो सब कैसे जा रहे हैं, ओ माय गुडनेस, सीरियसली मज़ा आ रहा है, सीरियसली मतलब ये पानी में। ये देखो फिश, ये दिखा ये भाई साहब मछली भी निकल रही, इधर सोल मच। सो गाइस इवनिंग में थोड़ा मार्केट आया था और मार्केट का भी सेम हाल है, ये मेन रोड में पानी हो गया। सो ऑलराइट गाइस अब इसको खा लेता हूँ फटाफट। आप कहीं का भी गोलगप्पे खा लो, लेकिन जो कोलकाता का गोलगप्पे है ना उसका अलग ही टेस्ट है, ट्रस्ट मी, जस्ट मज़ा आ गया। सो मैं ब्लॉग यहीं एंड कर रहा हूँ, और ब्लॉग अगर अच्छा लगा होगा लाइक करना, कमेंट करना, शेयर और सब्सक्राइब तो करना ही करना है। सो नेक्स्ट सोच रहा हूँ कोई फूड का चैलेंज ही बनाओ 24 आवर्स। सो मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।